सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान हेतु स्थान पर खड़े रहेंगे। सभी अपना स्थान कृपया ग्रहण करें। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर फॉर परमिशन टू स्टार्ट द फंक्शन। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर टू अलाउ मी टू रीड आउट द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट of the Honorable Chief Minister Designate. Adesh Sankhya Vedhanik 307 Raj Bhavan Dinank 2/2/2024. Main CP Radhakrishnan Jharkhand ka Rajyapal Bharat ka Samvidhan ke Anuchhed 164 एक सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल झारखंड ऑर्डर नंबर वैदा 307 जीएस डेटेड 2nd February 2024 आई सीपी राधाकृष्णन गवर्नर ऑफ झारखंड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स वेस्टेड इन मी अंडर आर्टिकल 164(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया Appoint Shri Champai Soren as Chief Minister of Jharkhand State. Signed, C.P. Radhakrishnan, Governor of Jharkhand. मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत श्री चंपाई सोरेन जी से अनुरोध करता हूं कि वे शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित हैं। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पश्चात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हूँ। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा।
I request Honorable Governor to allow me to read out the order of appointment of Honorable Minister Designate. Adesh Sankhya Vedhya 2/2024 308 Raj Bhavan Dinank 2 February 2024. मैं श्री पी राधाकृष्णन झारखंड का राज्यपाल भारत का संविधान का अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूं। श्री आलमगीर आलम, श्री सत्यानंद भोक्ता, हस्ताक्षरित सी पी राधाकृष्णन, राज्यपाल झारखंड। Order number Vaida 308 GS dated 2 February 2024. I, C.P. Radhakrishnan, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint following persons as Minister and Member of Council of Ministers of Jharkhand State. Sri Alamgir Alam, Sri Satyanand Bhokta. मैं आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता, अचुनता रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पश्चपात के अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
मैं माननीय मंत्री मनोनीत श्री सत्यानंद भोक्ता जी से शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित करता हूँ। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे अज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं अप्रत्याश अथवा अप्रत्याश रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I request Honorable Governor for permission to conclude the function. सभी अतिथियों से राष्ट्रगान के हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध है। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा बुके देकर माननीय मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों का स्वागत किया जाएगा।
सभी अतिथि बगल वाले हॉल में चायपान हेतु सादर आमंत्रित हैं।